दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बना रहे हैं और उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझ रहे हैं। फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में, ऑफिस में, कॉन्फ्रेंस वगैरह में यूज़ करते हैं, जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम स्ट्रीट में, पार्टीज में, दोस्तों के साथ और आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों वर्ड्स के मीनिंग तो सेम होंगे, लेकिन एक को हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करके बोलेंगे और दूसरे को आम बोलचाल के लिए यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड, जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो है कनेक्ट और लिंक अप करना। दोनों का मीनिंग होता है जोड़ना, किसी जिस तरह तार को जोड़ना, ठीक है जी, कोई चीज़ जोड़ना, इंटरनेट के साथ जोड़ना आपके कंप्यूटर को तार के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए, उस सेंस में कनेक्ट या लिंक अप को हम यूज़ करते हैं। लेकिन कनेक्ट ज़्यादातर हम फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, और लिंक अप को हम आमतौर पे इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं ऑफिस में या किसी होटल में, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में कहूँगा, प्लीज़ कनेक्ट माय लैपटॉप टू द वाईफाई, प्लीज़ कनेक्ट माय लैपटॉप टू द वाईफाई, के कृपया करके, मेहरबानी करके मेरे लैपटॉप को वाईफाई के साथ जोड़ दें, इंटरनेट के साथ जोड़ दें, प्लीज़ कनेक्ट माई लैपटॉप टू द वाईफाई। लेकिन अगर मैं आपके घर आया हूँ और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ, यार लिंक मी अप टू द इंटरनेट, मेरे मोबाइल फ़ोन को देते हुए, यार इसमें पासवर्ड तो डाली, लिंक मी अप टू द इंटरनेट, ठीक है जी, यानी कि मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो। दोनों कनेक्ट और लिंक अप का मीनिंग होता है जोड़ना, लेकिन कनेक्ट को हम ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, जबकि लिंक अप को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हैं चैलेंज और डेयर, ठीक है जी। आपने कहा वो तूने वो डेयरिंग शो देखा है, डेयरिंग शो जिसमें वो चैलेंज होते हैं, तो हम यानी कि ऑल्टरनेटिवली इनको भी यूज़ करते हैं, लेकिन चैलेंज जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और डेयर जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। चैलेंज या डेयर का मीनिंग जी होता है चुनौती, ललकारना, किसी को चैलेंज करना, जिसमें मैं किसी को कह सकता हूँ, आई चैलेंज यू टू डू इट। आप कहते हैं, यार ये तो वीडियोस बनाना तो बड़ी आसान काम है, यार ये तो आप वैसे ही बना दे, तो मैं कहूँगा आई चैलेंज यू टू डू इट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये करो, क्योंकि इस वक्त हम फॉर्मली बात कर रहे हैं, आप शायद मेरे कंपिटिटर हैं और या आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से मैं फॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगा, आई चैलेंज यू टू डू इट। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं कहूँगा आई डेयर यू टू डू इट, आई डेयर यू टू डू टू गो देयर, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। तो दोनों का मीनिंग यही है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ आई चैलेंज यू टू गो देयर, लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दोस्त हैं, आई डेयर यू टू गो देयर। चैलेंज और डेयर का मीनिंग होता है जी चुनौती, ललकारना, सेंटेंसेस बनाए, आई चैलेंज यू टू डू इट और आई डेयर यू टू गो देयर। इसी तरह दोस्तों, कंसिडर और थिंक अबाउट का मीनिंग होता है सोचना, ठीक है जी, कि इसके बारे में मैं सोचूंगा, आपने मुझे सीवी दे दिया है, इसके बारे में मैं सोचूंगा, तो क्योंकि हम फॉर्मली बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आई विल कंसिडर यूर रेज्यूमे, ठीक है, यानी कि मैं इसको सोचूंगा। या अगर आप किसी रेफरेंस आए हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूँगा या ओके आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट योर रिज्यूमे, आई विल थिंक अबाउट यू, जो भी है, तो इनफॉर्मली थिंक अबाउट को यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा आपने मुझे जॉब ऑफर की है, मैं कहता हूँ जी सर आई विल कंसिडर योर जॉब ऑफर, जी मैडम आई विल कंसिडर योर जॉब ऑफर, कि आपने जो मुझे जॉब ऑफर की है उसके बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, आप कहते हैं यार कल यार हम वहाँ चलते हैं पहाड़ पे पार्टी करके आएंगे, मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा।
आई विल कंसिडर इट या फिर आई विल थिंक अबाउट इट. लेकिन कंसिडर फॉर्मल, थिंक अबाउट इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड होता है. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दोस्तों हमारे पास हैं कंस्ट्रक्ट और बिल्ड. कंस्ट्रक्शन से निकला है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट से निकला है. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ तामीर करना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना. लेकिन वही हम कहते हैं कि बिल्डिंग को बिल्डअप करना, बिल्ड करना, उसी से निकला है बिल्डिंग. ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और बिल्ड जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है. जिससे हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक डेलीगेशन को बता रहा हूँ कि इस तरह ये हो रहा है यहाँ पे, तो डेलीगेशन के लोग पूछते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिवर पे. मैं कहूँगा दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, क्योंकि फॉर्मल है सब चीज़ें. दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, वो एक ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं. लेकिन लेट सपोज हम कहते हैं यार अब अपना घर बनाना चाहिए, तो सूरत में जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में कहेंगे लेट्स बिल्ड आवर होम, लेट्स बिल्ड आवर ओन होम. चलो अब अपना घर खुद तामीर करते हैं, बनाते हैं. तो कंस्ट्रक्ट और बिल्ड का मीनिंग होता है जी बनाना. लेकिन कंस्ट्रक्ट फॉर्मल, बिल्ड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं. यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज और लेट्स बिल्ड आवर हाउस. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है कंसल्ट और रेफर टू. कंसल्ट या रेफर टू का मीनिंग होता है जी मशवरा, परामर्श करना. लेकिन कंसल्ट जो है वो हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं और रेफर टू इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर. ठीक है, फॉर्मली कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कह रहा है क्योंकि वो दफ्तर नहीं आता कि मैं बीमार हूँ, तो वो कह रहा है यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. लेकिन लेट सपोज हम कोई बुक पढ़ रहे हैं इनफॉर्मली, तो मैं कहूँगा प्लीज़ रेफर टू पेज नंबर 11, के पेज नंबर 11 पे देखो. आप कहते हैं यार तू गलत कह रहा है, ये क्या है, ऐसे तो नहीं होता. मैं कहता हूँ यार पेज नंबर 11 को रेफ़र करो, पेज नंबर 11 को कंसल्ट करो, प्लीज़ रेफ़र टू पेज नंबर 11. ठीक है, तो कंसल्ट और रेफ़र टू का मीनिंग हो जाता है जी मशवरा, परामर्श करना. लेकिन कंसल्ट हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और रेफ़र को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं. इसी तरह डिक्रीज़, कम होना, गो डाउन, कम होना. यार मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरे जो सेविंग्स हैं वो नीचे जा रही हैं, तो उसमें हम डिक्रीज़ का वर्ड, अगर मैं फॉर्मली बात कर रहा हूँ फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे, तो मैं डिक्रीज़ कहूँगा कि मेरी सेविंग्स आर डिक्रीजिंग. लेकिन अगर मैं दोस्तों से डिस्कस करूँ यार सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा माई सेविंग्स आर गोइंग डाउन. तो यहाँ पर हमने लेट सपोज मैं टीवी पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इस इलाके में द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, लेकिन हम वैसे बात करते हैं यार बड़ी सर्दी हो रही है, यार दर्जा हरारत गिर रहा है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इज़ गोइंग डाउन. ठीक है जी, दोनों का मीनिंग डिक्रीज फॉर्मल, गो डाउन इनफॉर्मल, मीनिंग कम होना, नीचे गिरना. लेकिन एक को हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे, दूसरे को इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे. जिस तरह द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग या टेम्परेचर इज़ गोइंग डाउन. दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें. आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे.